यहाँ पर थिएटर सर्किट के भी बहुत दिक्कत बहुत बहुत बहुत, बहुत 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 अब धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, मड की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कहानी है ऐसी आपकी? तुम रोड पे घूम रहे हो तो हम नए नए आए थे बिल्कुल। हाँ जी। जानने वाले में कौन थे? अपने एलएसडी के ही विनीत भाई, इरफान भाई, इदरीस भाई, सारे भाई। करेक्ट। समझे? अभी आए हुए हफ्तों ही हुआ था साला कि इरफान भाई बोले आजा मिश्रा है ना, तुझे उसका ऑफिस दिखा देता हूँ। बहुत सीनियर थे, बहुत नहीं मतलब दो साल। तो आजा मिश्रा तुझे मैं दिखाता हूँ, आ तो सही, तुझे यश चोपड़ा का ऑफिस दिखाता हूँ। तो उनके यशडी मोटरसाइकिल पर बैठ गए, ट्रैफिक इतनी नहीं हुआ करती थी, बैठ गए। मिश्रा एक बात बोलता रहे, हो हटिए हटिए हटिए, नहीं किसको कह रहे जो सामने है, हटिए सिटी बजा, हॉर्न नहीं है ना, हॉर्न नहीं, ब्रेक भी नहीं ना यार। और वो जो बगैर हॉर्न और ब्रेक के यशडी पे मैं इरफान भाई के साथ घूमा था, कि गुरु अभी हफ्ते भर आए हुए पता चला एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मम्मी उम्मी जाते ही बम्बई में हफ्ते भर में रह जाए, पैर तोड़ वाला है। और वहां पर बात होती कि इरफान हमेशा संजय को खराब ही करता है बस। हाँ, सिगरेट पीता है, बताइए। करेक्ट। ये कैसे हो गया? हाँ, ये तो मतलब इरफान के साथ जाने की जरूरत क्या थी उसको, मेरे ये सब कहानियां चल रही थी पैरेलल। बड़ा मजा आता था यार, मतलब ये जो रोड है जेपी रोड, हाँ जी, खाली होता था खाली। तो इन्हीं बारिश के दिनों में आजा मिश्रा, तो उधर से हरगुजीत भाई निकल गए, तो ये भाई निकल गए, विनीत भाई निकल गए, सब यही। और इस रोड पे हम नहाते थे यार। क्या बात कर रहे हो? और ज्यादा, और एक बजे दोपहर में समुद्र में घुस गए, फिर इधर आ गए, यही सड़क पे लेटा हुआ हूँ, इस सड़क पे अभी लेट जाऊँ तो लेट ही जाऊंगा परमानेंट। समझ रहे हो कि नहीं? बीच बीच में भी लेट गए? बीच पे तो लेट ही सकते ना। उठ जा, अरे बस आ रही। हाँ, उठ गए, टांग, फिर बारिश बढ़ रही है, झमझम, और पानी थोड़ा थोड़ा जमा होता था। करेक्ट। हाँ, छाता लेके नहीं गाते थे, नो। तो ऐसा होता था, ये वाला छोटा सा पान की दुकान खरीद के देने वाला था, मेरा एक ससुर होने वाला था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप मेरी बेटी शादी कर ली, ये दुकान हम आपको खरीदवा देंगे। हम कहे वाह बेटा, जस्ट इमेजिन। हाँ, हस्बैंड दुकान पे, बीवी मकान पे। हस्बैंड सिगरेट बेच रहे। बहुत। एक और आए थे ससुर, मेरी दादी भेज दिया करती थी संजय के फैंस, एक लड़की एक बढ़िया करता क्या एक्टर है तुम। उसके बाद पूरी फैमिली आती थी चेकअप करने की, भाई क्या है भाई। हाँ, तो मैं ऑटो में बार बनाता था, ऑटो बार। ओके। अपनी एक बियर, एक अच्छा दोस्त, तुझे पता नहीं यार, उन्हें ढिंचक वाली म्यूजिक बड़ी आती थी। मुझे पता है ना, ऑटो में ना। तो हमने होने वाले ससुर जी को कहा आइए बैठिए, बियर पीते हैं। अभी किसी बात करते हैं, हम तो लड़का देखने आए। हमका लड़का ही आपसे पूछ रहा है बियर पीते हैं आप। कभी कभी जो ऐसा बोले समझ रोज पी रहा है साला, कभी कभी। और देखते हैं तो बियर अपना लगा रहे हैं। यहाँ से सेंटा क्रूज तक गए ऑटो में। लड़की मैंने अभी देखी भी नहीं, पहले मुझे देखना क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना। तो वो बियर पीते पीते होने वाले ससुर जी ने कहा ऑटो कितना पड़ता होगा यहाँ खरीदने पे। जी, ऑटो पे बैठा हुआ आदमी अपने होने वाले दामाद से पूछ रहा, बेटा ऑटो कितना का पड़ता गिरता होगा बम्बई में, पता नहीं 50,000। हाँ। तो मैं अगर आपको 5 ऑटो लेके दे दूं। ऑटो की कंपनी। हाँ, पापा जी को फोन किया, देखिए दादी किसी को भी भेज देती हैं।